हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम यूपी के मथुरा वृंदावन के एक खास मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे जो कि वृंदावन में स्थित है जिसको लोग धरती का वैकुंठ मानते हैं और वो मंदिर का नाम है श्रीधाम गोदाविहर मंदिर ये मंदिर में भगवान का आपको 400 मिनिमम मूर्ति आपको इधर मिल जाएगा इधर नवग्रह मंदिर भी है सारे नवग्रह का अलग अलग करके रखा गया है इधर बका सरोवर कैसे किए थे भगवान उसको भी इधर दर्शाया गया है इधर गरुड़ गोविंद भी है इधर घाई है अन्नपूर्णा है कार्तिक है भैरव जी महादेव संतोषी माता सारे ऋषियों के दर्शन भी आपको इधर मिलेगा दुर्गा माता पार्वती भागवती भी है इधर हर डोर में डोर के ऊपर एक सेपरेट सपरेट करके रखा गया है जैसे कि ब्रह्मलोक आप ब्रह्मलोक के अंदर जाएंगे तो आपको सारे ऋषियों के साथ साथ सरस्वती गायत्री ब्रह्मा वाल्मीकि वशिष्ठ अगस्त ऋषि जो कि तीन भर चुल्लू में सारे समुद्र को पी गए थे उनका मूर्ति भी है दुर्भाषा ऋषि भी है उसके बाद आप जाएंगे तो आपको दूसरे जगह में आपको मिलेगा पावन तपलोक उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको पराशर, व्यास, विश्वामित्र आत्र कश्यप ऋषि जी गौतम ऋषि गर्गाचार्य जो कि भगवान कृष्ण का वो कुलगुरु थे गर्गाचार्य ने उनकी मूर्ति भी आपको इधर देखने को मिलेगा राम अवतार बामन अवतार नरसिंह अवतार हनुमान और सारे अप्सरा के आप भी इधर दर्शन कर सकते हैं कृष्ण परशुराम कल की अवतार जो कलयुग में भगवान वही अवतार लेके आएंगे धरती पर आपको सारे इधर दर्शन मिलेगा जब भगवान कृष्ण को बलि ने बोले थे कि आपको क्या चाहिए तब तो कृष्ण बोलते हमको तीन पग भूमि चाहिए दो पग में उनका सारे संसार खत्म हो गया था तीसरे पग देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं तब तो वो उनका सर दिखा देते और भगवान उनके सर के ऊपर अपना पैर डाल के उनको पाताल को भेज देते वो भी इधर दर्शाया गया है गोदा देवी भी है धनवंतरी है विश्वकर्मा है बुद्ध भी है लक्ष्मी नारायण जो भगवान का वाहन है गरुड़ भी है आपको सारे देवता के इधर मतलब स्वर्ग में क्या क्या आप सब सोचते हैं कि स्वर्ग में ऐसा ऐसा होना चाहिए सब कुछ आपको इधर मिलेगा कुछ भी आपको अफसोस नहीं मिलेगा मतलब ये नहीं है ये मंदिर का नाम है श्रीधाम गोदा बिहार मंदिर ये मंदिर के जो संस्थापक थे वो श्री स्वामी बलदेव आचार्य जी महाराज ने इनको भगवत के पंचम स्कंद से प्रेरणा मिला कि वो मंदिर का रचना करेंगे एक मंदिर का निर्माण करेंगे जो सारे मुनि ऋषि देवता को एक साथ दर्शन कराएंगे सबको पूरा सनातन धर्म का बखिंडरा बनाया गया है इधर इसके पास अगर आप जाते हैं तो ये नज़दीक में गोपेश्वर महादेव है गल भी है लाला बाबू का मंदिर भी है रंगनाथ मंदिर भी है ब्रह्मकुंड भी है सब कुछ आपको एक ही लाइन में आपको मिल जाएगा ये मंदिर क्षेत्र के बीच में ही मंदिर बनाया गया है पूरे सनातन धर्म का जो संस्कृति है सबको समेट के वो भक्तों को देना चाहते हैं इसलिए ऐसा मंदिर वो बनाया है भागवत भक्त लोग के अंदर आप अगर जाएंगे तो सारे भक्तों का आपको दर्शन मिलेगा जैसे कि प्रहलाद ध्रुव विभीषण सुदामा भरत द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण और ध्रुपदी के साथ साथ आपको पंच पांडव भी आपको इधर मिलेंगे कौशल्या माता कुंती यशोदा एवं देवकी के बीचों बीच में कन्हैया जो बच्चे के रूप में हैं अनुसा के साथ उनके तीनों बेटा जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो बालक रूप में भी है अहल्या भी है अंजनी माता के साथ उनके पुत्र हनुमान भी है सबरी माता भी है इधर आपको मिलेगा अगर रघुकुल लोग आप जाएंगे तो आपको इक्खको मनु भागीरथ दशरथ राम लक्ष्मण सीता माता के साथ आपको हनुमान का दर्शन भी मिल जाएगा उसका उसके अलावा हरिश्चंद्र लाभ सत्यवान सावित्री इनका भी दर्शन आप कर सकते हैं अगर जगत गुरु के लोग आप अंदर जाएंगे तो आपको गर्गनाथ नानक शंकराचार्य माधवाचार्य रामाचार्य तुलसीदास मीरा भी है हरिदास जी भी है जिन्होंने बांके बिहारी जी का प्रकट किया था उनका दर्शन भी आप इधर आराम से कर सकते हैं मतलब अगर आप जाते हैं वृंदावन के लिए यह मंदिर का दर्शन नहीं किया तो आप बहुत पछताएँगे बहुत तो मतलब आपको अफसोस होना चाहिए यह मंदिर आपको देखना चाहिए एक ही ऐसी मंदिर है जिसको देखने के बाद आपको कुछ मतलब कुछ छूट गए आपसे ये आपको अफसोस नहीं होगा टाइम निकाल के आप आराम से देखेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगा आपको ये मंदिर ज़रूर देखना चाहिए धरती से लेकर स्वर्ग तक जो महान व्यक्तित्व तो थे जो देवता थे सबका इधर मूर्ति बनाया गया है इसलिए इसको बैकुंठ माना जाता है मैं ऐसे सच्ची कहानी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा रखती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय